कि आप डायबिटीज का इलाज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीके राय, आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज का इलाज कैसे करते हैं। डायबिटीज होता क्या है, इसे हम दो तरह से मेजर करते हैं, पहला ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से और दूसरा HbA1c से। यदि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, 100 से 125 के बीच में है तो प्री डायबिटीज है, और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक है तो आपको डायबिटीज है। अब एवरेज ब्लड शुगर हम HbA1c से जानते हैं और इसके द्वारा भी हम डायबिटीज की डायग्नोसिस कर सकते हैं। यदि आपका HbA1c लेवल 5.7 से कम है तो नॉर्मल है, 5.7 टू 6.4 है तो प्री डायबिटीज है, और यदि 6.5 या उससे अधिक है तो आपको डायबिटीज है। अब डायबिटीज का इलाज कैसे करते हैं, इसमें मेडिसिन के साथ साथ चार और कंपोनेंट्स होते हैं जिनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। पहला है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तीसरा है एक्सरसाइज और चौथा है डाइट। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, इसमें आपको डेली ब्लड शुगर की चार्टिंग करनी होती है और उसके अनुसार ड्रग की डोज को एडजस्ट करना होता है। एवरेज ब्लड शुगर लेवल जानने के लिए हम हर 3 महीने पे HbA1c कराते हैं, हर साल किडनी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि डायबिटीज की वजह से किडनी और आंखों पे असर पड़ता है, इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट और आई चेकअप प्रतिवर्ष जरूर डायबिटीज के मरीज को कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल भी प्रतिवर्ष कराना चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज में हर डायबिटिक पेशेंट को प्रतिदिन 30 मिनट और हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या योगा हो या जिम हो, लेकिन 150 मिनट प्रति सप्ताह एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही डाइट में डायबिटिक पेशेंट को फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन अधिक हो, और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना चाहिए। इसके साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी डायबिटीज के इलाज में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अच्छी नींद, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी द्वारा भी आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं। इस प्रकार इन चारों कंपोनेंट्स का भी मेडिसिन लेने के साथ साथ ध्यान रखा जाना चाहिए, इससे आपके ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और द बेस्ट हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।